हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, होप एवरी वन इज़ हेल्दी एंड सेफ। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था मेरे पास्ट वीडियोस में, लाइक दे आर नॉन स्पॉन्सर्ड एंड दे वांटेड टू अप्लाई फॉर RLI CLI। उसमें क्या कर सकते हैं एंड कितनी पॉसिबिलिटी चांसेस है कि लाइक उनको सिलेक्ट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं लाइक क्लियरली एंड सही बात बताना चाहूँगा कि बहुत अभी के टाइम में बहुत कम चांसेस है कि नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को एडमिशन मिले। अगर वैकेंसी जैसे हर जगह की अलग अलग है, कहीं 45 है, कहीं 50 होती है, जैसे फरीदाबाद में 45 है, कहीं 50 है मुंबई में, कहीं चेन्नई में अगेन 55 है, लाइक वेरी करती है सीट्स, 45 to 55, डिपेंड्स अपॉन दी कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दी व्यू ऑफ मैनेजमेंट, उनका क्या इरादा है उसके अकॉर्डिंग वो फिल करते हैं सीट्स। ओके, तो अभी जैसे प्रोस्पेक्टस फॉर्म में लिखा हुआ है, लाइक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए ही मेजर फोकस किया जाता है। अगर आप नॉन स्पॉन्सर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको अप्लाई करने के लिए। वहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप विदाउट, जहाँ पे लाइक फैक्ट्री लाइसेंस मांग रहे हैं वहाँ आप लीव ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एंड देन जहाँ पे फैक्ट्री लाइसेंस को कॉपी मांग रहे हैं आप बिना कॉपी लगाए बाकी सब रेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट सच्चाई यही है कि 90% चांसेस है कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा एंड 10% चांसेस है, एग्जिस्ट करता है कि नॉन स्पॉन्सर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा। अब किसी RLI CLI में अगर नॉन स्पॉन्सर्ड ज़्यादा हैं, स्पॉन्सर्ड कम है, लाइक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की एंट्री कम आई है, ऑब्वियसली नॉन स्पॉन्सर्ड को मौका मिलेगा। उस केस में डायरेक्टली नॉन स्पॉन्सर्ड का फ़ायदा होगा एंड देन अब उनको उनके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर ज़रूर अप्लाई करो, हु नोस किस्मत किसके साथ रहे एंड आपका सिलेक्शन हो जाए। सो यही कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, आप विदाउट फैक्ट्री लाइसेंस कॉपी लगाए फॉर्म को जैसे बाकी सब नॉर्मल भरते हैं वैसे सेम फिल करके आप अप्लाई कर दो। 17 लास्ट डेट है, याद रखो, उससे पहले एक दिन पहले एटलीस्ट आपका फॉर्म HO CLI sign पहुँच जाना चाहिए मुंबई में। थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट्स, कुछ कमेंट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करो, बताओ अपनी प्रॉब्लम, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने मेंशन किया, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे, आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा इन एनी सर्कमस्टांसेस। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।